और रुक करेंगे राजधानी दिल्ली का, जहां से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में रामनवमी पर जुलूस, बिना परमिशन के ये जुलूस निकाला गया। और आपको बता दें, पुलिस ने रामनवमी पर जुलूस को इजाजत नहीं दी थी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहांगीरपुरी की, जहां पर जुलूस से तनाव देखने को मिल रहा है। बिना परमिशन के ये जुलूस निकाला गया है, पुलिस से इजाजत नहीं मिली है। जहांगीरपुरी की ये तस्वीरें हैं। राजधानी दिल्ली में रामनवमी पर जुलूस को इजाजत नहीं मिली और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर जुलूस निकाला गया है। रामनवमी का त्यौहार है और इस वक्त जो तस्वीरें हैं वो जहांगीरपुरी इलाके की है। जहांगीरपुरी इसलिए भी जरूरी है कि पिछले साल रामनवमी के दौरान यहाँ पे जो स्थिति बनी थी वो बेहद ही तनावपूर्ण थी, लेकिन आज की तस्वीर कुछ ऐसी है। मैं आपको पहले तस्वीरें दिखाऊं, हर जगह आपको इसी तरीके की तस्वीर मिल जाएगी। ये शोभा यात्रा जहांगीरपुरी इलाके में निकाली जा रही है और जिस तरीके के तस्वीरें हैं बिल्कुल अलग है, यानी हर कोई यहाँ पे रामनवमी का त्यौहार मना रहा है, लेकिन परमिशन इस राज शोभा यात्रा की इस इलाके में नहीं दी गई थी, उसके बावजूद यहाँ से शोभा यात्रा निकाली गई है। ये तस्वीरें हैं, आप देखिए, भगवान श्री राम हो या बजरंग बली हो, तमाम यहाँ दिखाई जरूर दे रहे हैं, भक्त जरूर दिखाई दे रहे हैं यात्रा के दौरान, लेकिन तस्वीरें कुछ अलग हैं। सुरक्षा इलाके में काफ़ी है। ये तस्वीरें हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि लगातार इस शोभा यात्रा को आगे बढ़ाया जा रहा है, हालांकि परमिशन नहीं थी, लेकिन बावजूद उसके तमाम जो भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, वो इस बात को कह रहे हैं कि जहाँ प्रभु ले जाएंगे वहाँ जाएंगे। लेकिन ये जरूर है कि तस्वीर यही है कि जश्न है, शोभा यात्रा है, पुलिस के कड़े बंदोबस्त हैं, जहांगीरपुरी इलाका है, क्योंकि एक तस्वीर जहांगीरपुरी की पहले देख चुके हैं, उसके बाद अब एक बार फिर जहांगीरपुरी में शोभा यात्रा निकाली जा रही है कड़े बंदोबस्त के बीच में। कैमरा मैन भरत रावत के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़24 दिल्ली। देखिए, परमिशन जो थी पहले 2 हफ्ते पहले हाथी और एंड टाइम पे 2 दिन पहले, जब सब कुछ सामान आ चुका था, सब तैयारी हो चुकी थी, तब मना किया गया। अब फंडामेंटल राइट जो हमारा अधिकार है, इलाके में स्थिति कैसी है? देखिए, अगर यहाँ की बात करेंगे तो यहाँ पे बहुत नॉर्मल रहेगी। यहाँ पे कोई भी, आपको हजारों लोग मिल जाएंगे, कोई भी कोई गलत काम नहीं करेगा। यात्रा कहाँ तक जाएगी? देखिए, हमारा जो हिंदू समाज का हमेशा है कि हम अपने पब्लिक ऑर्डर को देख के, हम अपने पुलिस को भाई भाई समझ के, दोस्त समझ के, जहाँ वो बोलेंगे वहीं तक करेंगे। हमारा ऐसा कभी कोई मतलब नहीं होगा कि हमारे देश की नेशन सिक्योरिटी। इस बारी कितना अलग लग रहा है शोभा यात्रा जहांगीरपुरी इलाके में, क्योंकि एक तस्वीर वो थी जो पिछले साल देखी थी, इस बारी कितना अलग है? बहुत अलग है, बहुत बढ़िया लगा है हमारे को। पुलिस ने तो मना किया, बैरिकेडिंग कर रखी है, छावनी में तब्दील कर रखा है सारे, हमारे को नहीं पता था, पर बढ़िया निकल रहा है, कोई वो नहीं है। पर कहां तक जाएंगे आप आगे? सारे ये मेरे ख्याल से केबी रोक देके एंड हो जाएगी। हमारे प्रभु इच्छा से जाएंगे, हमारे हमारे बस का कुछ नहीं है, सब प्रभु की इच्छा है। बोलो जय श्री राम, भाई सभी भाइयों को जय श्री राम। देखो, अगर आपकी बात है पुलिस वालों का काम है, इतनी संख्या को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। अगर कल को कुछ होता है कौन जिम्मेदार होगी? पुलिस। हमने कुछ नहीं करा, ना कोई दंगा। सारे बजरंगी भाई है, देखो कितने प्यार से दिख रहा है आपको, कोई दंगाई दिख रहा है आपको? अभी आए हम पूरे रास्ते से, पुलिस वाले कह रहे हैं आप नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते भाई? हमारा त्यौहार नहीं है, जब इनकी मुहर्रम पे रैली निकलती है तब कुछ नहीं होता। आज हमारे राम जी की रैली यहाँ पे हो रखी है, ये तो प्रभु इच्छा से जाएगी। वहाँ तक जाएंगे आगे? आगे जहाँ तक प्रभु इच्छा की होगी वहाँ तक जाएगी। ये सब शांति से हो रहा है, सब शांति चाहिए। आप भी खुश रहो, हमें भी खुश रहना। तो जय श्री राम। जहांगीरपुरी इलाका है, शोभा यात्रा निकाली जा रही है, सुरक्षा के भी कड़े बंदोबस्त हैं। मेरे साथ जितेंद्र मीणा जी हैं जो नॉर्थ वेस्ट DCP हैं, इलाके की जिम्मेदारी आपके पास है, लेकिन शोभा यात्रा यहाँ निकाली जा रही है, परमिशन नहीं थी, सुरक्षा चप्पे चप्पे पर की गई है। 4-5 किलोमीटर की इन्होंने परमिशन मांगी थी, वो परमिशन इनकी कैंसिल की गई है। उनको एडवाइज़ किया गया था पार्क और आसपास के जो हमारा बैरिकेड है उसके अंदर ये कर लें, और उसी के अंदर अभी ये लोग कर रहे हैं। जिस तरीके से पूरे इलाके में गलियों को बंद किया गया है, जो आपने CRP के जवान लगाए हैं, बैरिकेडिंग देखी जा रही है, संख्या लगातार लोगों की ज़्यादा है, पुलिस बल भी ज़्यादा है, वो इसलिए किया गया ताकि कोई असामाजिक तत्व अंदर घुस के किसी तरह का माहौल खराब करने की कोशिश ना करें। तो एक तस्वीर देखी थी जहांगीरपुरी में तनाव, तो ऐसी कोई तस्वीर, कोई ऐसी बात, कोई ऐसी कॉल आपको लग रहा है कि अभी बिल्कुल सामान्य है? अभी स्थिति पूरी तरह से शांतिपूर्वक है, नियंत्रण में, ऐसे कोई तनाव वाली बात नहीं है। क्या समय दिया गया है इनको, कोई तय समय है या फिलहाल रोक दिया जाएगा? नहीं, इनको बैरिकेड के अंदर ही रोका जाएगा, और बैरिकेड से बाहर जाने का भी इनका भी कोई ऐसा हमारी नज़र में नहीं है प्लान। तो फिलहाल ये कहा जाए कि सुरक्षा चाक चौबंद है इलाके में? जी बिल्कुल, सुरक्षा चाक चौबंद है। ये जितेंद्र मीणा थे जो DCP हैं नॉर्थ वेस्ट, और जिस तरीके की शोभा यात्रा जिसकी परमिशन नहीं थी, बावजूद इसके एक कहा जाए कि प्रिमाइसिस के दायरे में बोला गया है, लेकिन अभी फिलहाल यही है कि तस्वीरें की शोभा यात्रा निकाली गई है और पूरी तरीके से सुरक्षा इस इलाके में चाक चौबंद की गई है। कैमरा भरत के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़24 दिल्ली। और अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए न्यूज़ 24।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।